दोस्तों आपको पता है कोरोना वायरस ने किस तरह से ह्यूमैनिटी को तबाह करके रखा है उसी तरह से एक फंगस ने पूरी बनाना प्रजाति को पूरे केले के पौधों को और प्रजाति को तबाह करके रखा है तो क्या है वो फंगस किस तरह से वो केले के पौधों को, पौधो को अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है तो सबसे पहले बढ़ते हैं वीडियो में क्या है आज तो देखिए दोस्तों वीडियो में सबसे पहले खबर लेके आता हूँ तो खबर क्या है कि नाउ बनाना कोविड हिट्स प्लांटेशन ठीक है मतलब बनाना में भी कोविड की तरह कोई रोग है कोई डिजीज़ है जो फैल चुकी है या फैली है पहले से और वो अब ऑब्वियस सी बात है इंडिया में इंटर कर चुकी है तो उसी के बारे में खबर है क्या है एक फंगस स्ट्रेन है जिसकी नाम दी गई है टी आर फोर ट्रॉपिकल रेस फोर उसने तबाही मचा के रखी है के पौधों में ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं बनाना कोविड क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं बनाना कोविड कोई ऑफिशियल नेम नहीं दिया गया है अभी ठीक है ये जस्ट एक इनफॉर्मल नेम है क्योंकि अभी कोविड चल रहा है इस वजह से इसी तरह की कोई डिजीज़ बनाना में भी पाई गई है तो उसे बनाना कोविड बोल के लोग बुला रहे हैं ठीक है कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर उसे बनाना कोविड बुला रहे हैं पर ऑफिशियल नेम कोई ऐसी नहीं हुई है उसकी नाम दी गई है जो डिजीज़ है एक्चुअली उसकी नाम है फ्यूसेरियम विल्ड मैं अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। तो हुआ क्या है दोस्तों कि जैसे आपको पता है कि वायरस के वजह से हमारे ह्यूमनिटी में ह्यूमंस में कोविड फैली है उसी तरह से एक फंगस होता है फंगस भी हमारे पैथोजेंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो फंगस के वजह से ठीक है एक फंगस है जिसका नाम है फ्यूजीरियम फ्यूजीरियम टी आर फोर ठीक है उसकी पूरा नाम भी आगे देखेंगे हम लोग तो फ्यूज़ीरियम टी आर फोर एक फंगस है उसके वजह से ठीक है केलों के पौधों में एक डिज़ीज़ फैली है उस डिजीज़ का नाम है फ्यूजेरियम विल्ट नाम दिया गया है उससे होता है क्या है दोस्तों होता है ये है कि केले के पौधे जो जब लगाए जाते हैं तो इस आ, फंगस के अटैक के बाद फंगस से इन्फेक्ट होने के बाद पत्ते पीले पड़ जाते हैं पत्ते झड़ जाते हैं और फिर पौधा जो भी पेड़ है वो टूट के गिर जाता है जिससे हमारी केले नहीं हो पाते हैं केले का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो समझ सकते हैं आप कि केला हमारा दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूम्ड स्टेबल फूड है ठीक है काफ़ी इसकी रिक्वायरमेंट होती है डिमांड होती है वर्ल्ड वाइड और ये काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है ठीक है तो ये अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक बहुत बड़ी बुरी बात है हमारे कंट्री के लिए अब दोस्तों चलो समझ लेते हैं फंगी क्या है फंगी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है माइक्रोब्स है ठीक है माइक्रोब से जैसे वायरस हमारा एक माइक्रोब है वैसे ही ये सब फंगस सेल का प्रोटोजा बैक्टीरिया ठीक है ये सब क्या है माइक्रो ऑर्गनिज्म से अब वायरस जो होता है दोस्तों वो क्या करता है होस्ट सेल के अंदर जाकर के रिप्रोड्यूस करता है जैसे वो आपके शरीर के अंदर जाएगा तब एक से दो दो से चार चार से पाँच पाँच से हजार हो जाएगा जैसे कोरोना वायरस ठीक है एक दो चार शरीर के अंदर इंटर करती है आपकी और हजारों लाखों बन जाती है और फिर ऑर्गन्स को हाईजेक कर लेती है उसी तरह से ये ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसी होस्ट सेल के अंदर इनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये जहाँ रहते हैं हवा में है तो हवा में ही खुद को रिप्रोड्यूस कर लिया दो से चार चार से पाँच पाँच से दस दस हज़ार से बीस हज़ार चालीस हज़ार पचास हज़ार हो गए ठीक है फंगस को भी ऐसे ही किसी की जरूरत नहीं पड़ती होस्ट सेल की वो जहाँ है वो खुद को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं तो फंगस को क्या मैंने बताया किसी होस्ट सेल की जरूरत नहीं है वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं ये फंगस की डेफिनेशन हुई फंगी की आप ये देख सकते हैं ये कुछ फंगस है ठीक है जो हमारे यूजफुल फंगस है एक्चुअली पेनिसिलियम जो है ये है क्योंकि आपको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दोस्तों वो हमारे दोस्त भी होते हैं दुश्मन भी होते हैं ठीक है अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं वो और वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट भी करते हैं जैसे आपको पेनिसिलियम पता होगा कि ये एक फंगी है ठीक है जिसके हेल्प से ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम दवा बनाई थी ये ब्रेड मोल्ड है ईस्ट वगैरह जो भी होता है फंगस इसी के अंदर आता है ये देख सकते हैं आप दोस्तों वायरस काफ़ी इस तरह की फोटोज आपने देखी होगी ठीक है तो ये वायरस है ये फंगस है कुछ स्ट्रक्चर हैं उनके मैंने दिखा, दिखा दिए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए तो अब खबर क्या है दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करते हैं खबर ये है दोस्तों कि जो मैंने आपको बताया है कि बनानास में बनानस ट्री में क्या हो रहा है कि फ्यूजेरियम टीआर नाम की एक फंगस ठीक है अटैक कर रही है इन्फेक्ट कर रही है और पौधों को बर्बाद कर रही है ठीक है तो उसकी टेक्निकल नाम क्या है देखिए दोस्तों फंगस की फ्यूजेरियम ऑक्सीएसपोरम ठीक है और उसे क्या नाम बोलते हैं क्यू क्यूबेंस भी बोलते हैं ठीक है एफ ओ एस बोलते हैं एफ ओ सी शॉर्ट में आप बोल सकते हैं अब ट्रॉपिकल रेस फोर टी आर लास्ट में लगाया गया है जैसे हमारा नोबल कोरोना वायरस में जैसे नाम उसका दे दिया नोबल कोरोना वायरस पहले क्या था सार्स वन उसका नाम दिया गया था ठीक है सिर्फ कोरोना था ए सी आर एस वन सार्स वन सार्स टू करके ठीक है जो चाइना में फैली थी तो वो पहली स्ट्रेन थी अब जो नई वाली स्ट्रेन आई उसका नाम दे दिया नोबल कोरोना वायरस ठीक है तो उसी तरह से जो पहले की स्ट्रेन थी उनकी ट्रॉपिकल उनकी रेस वन रेस टू रेस थ्री रेस फोर नाम करके रेस दिया गया था और इस बार जो नई वाली स्ट्रेन डिटेक्ट हुई है इस फंगस के उसका नाम दे दिया गया है ट्रॉपिकल रेस फोर अब इससे जो डिजीज हो रही है उसकी नाम दे दी गई है फ्यूजेरियम विल्ट ठीक है अब दोस्तों आपको बात बता दूं कि ये जो ट्रॉपिकल रेस फोर है फ्यूजरियन ट्रॉपिकल रेस फोर जो है ये सबसे पहले डिटेक्ट की गई ताइवान 1989 में ऑब्वियस ये बात है दोस्तों ये टी फोर है ट्रॉपिकल रेस फोर है तो इससे पहले तीन रेस और भी आए थे और यानी तीन बार और भी इस डिजीज की आउटब्रेक हुई है कभी ना कभी तो उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे और ये चौथी लेकिन सेकंड मेजर ये फोर्थ आउटब्रेक है पर मेजर आउटब्रेक जो ये आउट है ये सेकंड आउटब्रेक है ठीक है बड़े लेवल पर जो आउटब्रेक है ये सेकंड आउटब्रेक है इससे पहले एक बहुत बड़ी आउटब्रेक हुई थी ठीक है इस फंगस की और इस बार फिर से एक बहुत बड़ी आउटब्रेक होने की संभावना है आशंका आशंका है ठीक है तो ये ताइवान में 1989 में सबसे पहले डिटेक्ट की गई थी वहाँ के केले केलों के पौधों में मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि ये बनाना जो है खाने से ह्यूमंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अगर केले उग जाते हैं पौधे निकल आते हैं केले ठीक है केले के फल पेड़ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये जो फंगस है अफेक्ट करने के बाद केले के पौधों को ही केले के पेड़ों को ही बर्बाद कर देती है ठीक है ये प्रॉब्लम है इस डिजीज के साथ तो देखिए दोस्तों ये देखिए आप देख सकते हैं ये पूरी मैप है यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये क्या है साउथ एशिया ये ऑस्ट्रेलिया ठीक है ये ऑस्ट्रेलिया ये इंडिया ये उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट एशिया ठीक है और ये पूरी अफ्रीका ये लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका ये पूरी की पूरी जो कंटिनेंट्स और कंट्रीज़ हैं अभी ये अफेक्टेड हैं इस डिजिट से अभी तक ठीक है और अभी जो रिसेंटली खबर आई है जो मैंने आपको न्यूज़ दिया दिखाया उसमें ये लिखा हुआ था कि बिहार और यूपी में भी कुछ इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और डिटेक्ट किए गए हैं ठीक है तो ये क्या कर रही है दोस्तों कि अभी जो है ये जो ट्रॉपिकल रेस फोर है ये कवेंडिस नाम की वेराइटी है जो बनाना उसको अफेक्ट कर रही है कवेंडिस वेराइटी नाम के बनाना को अफेक्ट कर रही है जो कि बनाया गया था इन द इम्यून रिस्पॉन्स टू रेस वन स्ट्रेन जो पहली मेजर आउटब्रेक थी इस फंगस की उसके बाद एक नई वेराइटी बनाई गई पहले उस रेसवन ने एक पूरे के पूरे केले के वेराइटी को भी बर्बाद कर दिया जिसके बाद साइंटिस्ट ने रिसर्चर्स ने मिल के एक ऐसी केले के पौधे बनाई जो उस ट्रॉपिकल उस रेस वन के जो फंगस थे ठीक है उससे इन्फेक्ट नहीं होती थी उससे उसको ह्यूमिनिटी प्राप्त थी यानी वो उसके प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर थी तो उसके पौ पेड़ों के पौधे नहीं जते पे, पेड़ों के पत्ते नहीं झड़ते थे ठीक है पेड़ नहीं टूट के गिरते थे तो वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन फिर अभी दोस्तों देखिए ये रेस वन रेस टू रेस थ्री रेस फोर के बारे में मैंने यहाँ पर एक विकिपीडिया से उठा के रखा है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूँ कि जब रेस वन जब पहली बार इसका मेजर आउटब्रेक हुआ था तो इस डिजीज़ का नाम दिया गया था पनामा डिजीज़ क्योंकि पनामा में सबसे पहले बार डिटेक्ट की गई थी और उस पनामा डिजीज़ ने क्या किया दोस्तों कि ग्रॉस माइकल नाम की एक बनाना की वेराइटी थी ठीक है और वो बनाना की वेरायटी वो जो बड़े वाले केले आप देखते हैं लगभग उसी तरह उसी तरह के थी और ये मेजर आउटब्रेक नाइनटीन में हुई और उस वक्त बीस से तीस सालों में पूरी दुनिया में ये इन्फेक्ट कर दी पूरी दुनिया को इन्फेक्ट कर दी ठीक है और दुनिया भर के केले के पौधों को बर्बाद कर दिया तो ये जो ग्रॉस माइकल बनाना नाम का के केला था इसके पौधे को ये इन्फेक्ट करती थी और उस समय पूरे वर्ल्ड में उसी पौधे का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी ठीक है दोस्तों तो उसके रिस्पॉन्स में क्या किया गया कि एक नया केले का ठीक है वेराइटी बनाया गया कवेंडिस बनाना और वो क्या था सब कुछ ग्रॉस माइकल की तरह ही था लेकिन वो यूम्यून था रेस वन को मतलब जो रेस वन स्ट्रेन था ठीक है उससे वो अफेक्टेड नहीं हो रहा था यानी डिजीज़ को तो खत्म नहीं किया गया लेकिन डिजीज से लड़ने के लिए एक पेड़ बना लिया गया कि अब उस पौधे में उस पेड़ में ठीक है वो अफेक्ट नहीं करती थी ठीक है और उसके बाद फिर छोटे बोटे ऐसे ही आउटब्रेक्स होते रहे रेस टू रेस थ्री हुए जिसमें जो स्पेशली ये केले के पौधे सिर्फ खाने के लिए कच्ची सब्ज़ी बनाने के लिए केले के पौधे आते थे ठीक है केले आते थे उस केले के पौधे में रेस टू ने पूरी तरह से इफेक्ट किया और उस तरह के पौधों को बर्बाद किया फिर रेस थ्री भी आई कुछ केलों को बर्बाद की और ये जो रेस फोर है दोस्तों ठीक है ये अब फिर से मेजर आउटब्रेक होने वाला है और ये पूरी दुनिया में फैलने वाला है ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले नाइनटीन में ताइवान में डिटेक्ट हुआ था ठीक है और आज फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में मतलब पूरी तरह से सदर्न हमस्पियर को तो एटलीस्ट पूरी तरह से ये अपने चपेट में ले चुका है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू लैटिन अमेरिका ठीक है सबको अपने चपेट में ले चुका है और इंडिया में भी आप सुन ही रहे हैं कि ये इंटर कर चुका है ठीक है तो यानी अब ये जो नई वाली वेराइटी थी कमेंडिस बनाना इसको भी ये बर्बाद करने वाली है अब दोस्तों आप ओवर द लास्ट थर्टी ईयर्स पिछले तीस सालों में ये दुनिया में कहीं ना कहीं हर जगह ये अफेक्ट करते आई है एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में टू थाउजेंड फिफ्टीन में जब पूरी तरह से ये बर्बाद कर रहा था डिजीज़ वहाँ के केले के पौधों को तो वहाँ पर की सरकार ने पूरी तरह से जो भी प्लांटेशन फार्म थे उसको बंद कर दिया है ठीक है और नए सिरे से सारे पौधों को ख़त्म करके ठीक है बायोसिक्योरिटी अरेंजमेंट करके पूरी तरीके से नए सिरे से पौधों को उगाना शुरू किया ठीक है लेकिन फिर दो सालों के बाद फिर से ये वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो गई फिर से ये इन्फेक्ट करने लगे फंगस को लेकर पौधों को तो सरकार काफ़ी मुश्किल में पड़ गई ऐसा ही एक फिर से रिसेंटली जो हुआ था टू अगस्त में हुआ था कोलम्बिया के सरकार ने इस इन्फेक्शन के कारण इस डिजीज़ के कारण नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देते है क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कोलंबिया काफ़ी एक बड़ा आ, अ, मतलब मेजर प्रोड्यूसर है केले का और वहाँ पर अगर इस तरह की स्थिति आती है तो नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ती है अब प्रॉब्लम है दोस्तों जैसे कोरोना वायरस के लिए हमने कोई मेडिसिन कोई वैक्सीन नहीं तैयार की है या नहीं तैयार कर पा रहे हैं अभी रिसेंटली इसी तरह से दोस्तों इस फंगस के रिस्पॉन्स में भी हम लोगों ने कोई फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आज तक नहीं डेवलप कर सकी है पूरी दुनिया ठीक है ताकि इसको ख़त्म किया जा सकता इसको रोका जा सकता है कंट्रोल किया जा सकता है जैसे कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है क्वारंटाइन से होम क्वारंटाइन से उसी तरह के सिस्टम्स हैं ठीक है कि प्लांट को क्वारंटीन किया जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए ठीक है बायोसिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में उसको रख के और किसी तरह से इस इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है ठीक है सोइल की टेस्टिंग करके और भी अगल बगल के पौधों को टेस्टिंग करके उस तरह की चीज़ें करके बचाया जा सकता है पर इस डिजीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करना मुश्किल है ठीक है अगर एक बार वो पौधे में लग गया तो वो ठीक नहीं होगी वह बहुत बड़ी मुश्किल है उसको ठीक करना आप यही कर सकते हैं कि पौधे में लगने ही ना दे इस डिजीज़ को ठीक है तभी आप उसको रोक सकते हैं अब दूसरी मेजर प्रॉब्लम दोस्तों ये है जैसे आपको मैंने बताया कि 1950 में जब ये पैंडेमिक जब आई थी पैंडमिक सॉरी मैं बोल रहा हूँ जब ये पनामा डिजीज़ आई थी तो इसके रिस्पॉन्स में बीस तीस साल के बाद जो भी हमारे रिसर्चर्स थे उन्होंने कवेंडिस नाम की एक वेरायटी डेवलप कर ली जो इम्यून था रेस वन की लेकिन अभी दोस्तों ये है कि ये कवेंडिस पर ही अब ये अटैक आ चुका है कमेंडिस पर ही खतरा मंडरा रहा है लेकिन अभी तक साइंटिस्ट ने कोई ऐसी नई वेरायटी नई तैयार करके कर रखी है जो ट्रॉपिकल रेस फोर इम्यून हो यानी जो इसको झेल सके तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने एक फोटो लगाया है कि किस तरह से फेजेज होते हैं देखिए ये ग्रीन प्लांट है ग्रीन केले का के प्लांट है फिर उसमें इन्फेक्ट कर दिया ठीक है फंगस ने टी फोर ने और उसके बाद देखिए केले पीले पड़ने लगे उसके बाद देखिए पीले पड़ने के बाद ये मुरझा गए और गिरने लगे और इस तरह के हो गए और ये पूरी वेस्कुलर सिस्टम को आप देख सकते हैं ये केले के पौधे को काटा हुआ है ये वेस्कुलर सिस्टम है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है सॉयल से फ्रॉम रूट्स टू टॉप ऑफ द लिप्स वहाँ तक जाते हैं जैसे जैसे फंगस ठीक है उसके थ्रू तो पूरी वेस्कुलर सिस्टम को बर्बाद करते हुए जाते हैं आप देख सकते हैं ये पूरी वेस्कुलर सिस्टम को बर्बाद कर चुके हैं यानी पूरी पेड़ को ही बर्बाद कर चुके हैं और अगर ये दोस्तों ट्रॉपिकल रेस रेसफोर जो फंगस के फ्यूजेरियम की एक नई स्ट्रेन है अगर ये ऐसे ही तबाही मचाती रही तो अगले 10-20 सालों में दुनिया के फिर से केलों की जो ये है कमी होने वाली है और हमें नई वैरायटी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसकी अभी तक मैंने आपको बता दिया कोई भी इलाज इसकी नहीं बना दी जा सकी है अभी तक तो दोस्तों ये था बनाना कोविड के बारे में और मैंने आपको बता दिया बनाना कोविड कोई फॉर्मल नाम नहीं है और मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने ये वीडियो कोई मीत फैलाने के लिए नहीं की है मैंने रिपोर्ट्स के बेसिस पे की है मैंने देखा है ठीक है मैंने वेबसाइट्स पर देखे हैं यूनाइटेड नेशनस के वेबसाइट पर देखे हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट देखे हैं उसके बाद ही ये मैंने वीडियो बनाया है ठीक है तो ये जो वीडियो था अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच